जर्नोमीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ मेरे ट्रैक एंड राइड का जो मेरा टॉप बॉक्स है उसको हम फिट करने जा रहे हैं हमारी KTM एडवेंचर 390 बाइक पे। मेरा ऑलरेडी इसमें टॉप रैक लगा हुआ है, उस पर हम अब इसकी फिटिंग करने जा रहे हैं। और जो मेरा टॉप बॉक्स है उसका जो बेसिक फ्रेम होता है सबसे पहले उसको हम फिट करेंगे। और ये मैंने जो टॉप रैक है मैंने 2018 में बाय किया था और आई थिंक चेन्नई से ये शिफ्ट हुआ था और उस समय मैंने लगभग 6500 रुपीज़ का बाय किया था और फुल पैसा वसूल, 5 साल में मेरा पूरा पैसा वसूल हो चुका है और अभी तक कोई इशू नहीं आया है। थोड़ा सा प्ले इसमें आया है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। इसको मुझे बंजी से बांधना पड़ता है, पहले बिल्कुल टाइट रहता था, थोड़ा सा लूज हो गया, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। 5 साल में बहुत ही मतलब कि हल्का है, क्योंकि आजकल के जितने में एल्यूमिनियम बॉक्स है बहुत ही हैवी होते हैं और ये बहुत ही हल्का है वेट में और स्पेसियस है। मैं अभी आपको फिट करके दिखाऊंगा, तो चलते हैं अपनी बाइक पे, वहाँ पे अपना फिटिंग शुरू करते हैं। तो ये हमारा बेसिक फ्रेम है और ये मेरा टॉप रैक है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अपनी बेसिक फ्रेम को अभी फिट कर दिया है। अभी 4 बोल्ट लगे हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4। अब बस इसको मैं अब टाइट करने वाला हूँ, इसके बाद हमारा ये फिट हो गया। बहुत ही सिंपल फिटिंग है, कुछ भी नहीं है। 4 बोल्ट लगा के आपको नीचे से दिखा दूँ, इस तरह से ये बोल्ट कर देने हैं। तो चलते हैं इसको फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना बॉक्स आपको फिट करके दिखाएंगे। इस तरह हमारा ये अपना फ्रेम फिट हो गया। अब आप इसका एक कवर आता है, इसके ऊपर कवर लगा के फिर सीधा हम अपना टॉप बॉक्स लगा के दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से हमारे ये प्लेट लग जाती है, ये देखिए, और ये बोल्ट लग जाएगा। एक बोल्ट तो मिसप्लेस हो गया लेकिन एक बोल्ट में काम चल जाता है। तो इस तरह हमारा ये फ्रेम लग गया, ये देखिए। तो चलते हैं, ये है हमारा टॉप बॉक्स, इसको अभी खोल के दिखाता हूँ मैं। ये हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है जेट ऑन व्हील्स। तो ये देखिए काफ़ी स्पेसियस है और ये 2018 में मैंने बाय किया था, ये देखिए चारों तरफ से। और सबसे अच्छी बात है इसमें हमारा कुशनिंग अपना बैकरेस्ट लगा हुआ है और पिलियंस के लिए बहुत ही शानदार है। और ये इस तरह से, ये देखिए इसका, और नीचे से दिखा दूँ, ये इसमें फिक्स हो जाता है। हमारे जो अपना फ्रेम प्लेट लगाई है इसके अंदर ये फिक्स हो जाता है और यहाँ पे एक बोल्ट है और ये बोल्ट ये टाइट हो जाता है। और ये हैंडल बार दिया हुआ है इसका, ये देखिए ये हैंडल बार दिया हुआ है इसका यहाँ कैरी करने के लिए, ये देखो। तो चलते हैं फिट करते हैं। ये हम इसको टाइट कर रहे हैं और ये अच्छी तरह से टाइट कर देना है, बहुत ट्रैफिक है रोड पे। तो ये देखिए, ये इसको जब ये मेरा बॉक्स गिरा था तब ये लूज हो गया था और ढंग से टाइट नहीं हुआ था। तो गाइस मैंने ये ट्रैक एंड राइड का टॉप रैक को मैंने इंस्टॉल कर दिया है अपनी KTM एडवेंचर 390 पे। इससे पहले मैं डोमिनार पे इसको यूज़ कर रहा था, लगातार मैंने 4-5 साल इसको यूज़ किया है और बहुत ही शानदार ये अभी तक बिल्ट क्वालिटी मैंने देखी है। जस्ट इसमें थोड़ा सा प्ले आया है, इसके अलावा कोई भी इशू नहीं आया है। और इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, एक हेलमेट के साथ साथ इसमें काफ़ी कुछ आप रख सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है कि जब भी टॉप रैक में कुछ रखें तो बहुत ही लाइट वेट वाला सामान ही रखें, और जो आपके पैनियर्स हैं या आपको सेडल बैग्स हैं उनमें आप मोस्टली हैवी सामान रखें। तो आज का ये हमारा ट्रैक एंड राइड का जो टॉप बॉक्स है उसका 5 साल का ओनरशिप रिव्यू था। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करना, कोई भी क्वारी हो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ एक
कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो गाइस जो भी मेरा नया व्यूअर्स है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ये बिल्कुल फ्री है, आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा और भाई का मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम में जय हिंद।